नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है HFCL लिमिटेड। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस शेयर को हम लगातार कवर कर रहे हैं। इसमें कोई भी अपडेट या कोई न्यूज़ निकल के आती है, हमने आप तक उस अपडेट को उस न्यूज़ को पहुँचाया है। इस शेयर का अभी तक जो हाल देखने को मिल रहा है, काफ़ी दिनों से इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी और अब ये प्रॉफिट बुकिंग जो है खत्म होती हुई देखने को मिली है, क्योंकि इसमें अब तगड़ी तेजी देखने को मिल रही है। हमने आपको जो सपोर्ट लेवल दिया था उसी लेवल से इसने सपोर्ट लेके जो है तेजी पकड़ना शुरू की थी, लगातार इसमें जो है ऊपर की तरफ अब चढ़ाई की जा रही है। इस वीडियो में हम जिन टॉपिकों को कवर करने वाले हैं, हम आपको बताएंगे कि इसमें जो एक बहुत अच्छा जो एक खबर निकल के आ रही है, इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की जो इसमें डेटा निकल के आ रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा निकल के आया है, उसको हम जो है इस वीडियो में कवर करेंगे कि कौन सा हिस्सा किस लोगों ने ले रखा है, कितना हिस्सेदारी किसकी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न रहने वाला है इस कंपनी के लिहाज से, इस कंपनी के भविष्य के लिहाज से। तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके अलावा हम देखेंगे कि इसके आगे के कौन से टारगेट रहने वाले हैं, किस टारगेट को जाके ये अचीव करेगा, ये सब बातें हम करेंगे इस वीडियो में। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और सारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। और उसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए बिल्कुल। इसमें हम जो है किसी भी स्टॉक को कोई भी खबर निकल के आती है, उसमें हम इंट्राडे की आपको ट्रेड भी देते हैं। देखिए इंट्राडे की हमने आपको आज ट्रेड भी दी है। इसके अलावा और कोई भी खबर या कोई भी इसमें अपडेट आती है, BTST स्टॉक जो होते हैं, हर तरह के स्टॉक आपको उस ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको उस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं देना है। तो अभी आके उस ग्रुप को ज्वाइन करें, आपका काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि सारी देखें आप अपडेट, सारी जो भी न्यूज़ आती हैं किसी भी स्टॉक में सबसे पहले इसी ग्रुप में प्रोवाइड की जाती हैं। और देखिए यहाँ पे हमारे टारगेट भी हिट होते हैं सारे, हम आपको हर तरह की जो है ट्रेडें प्रोवाइड करने की पूरी पूरी कोशिश इस ग्रुप में करते हैं। तो अभी जाके ज्वाइन करें, हमारे ग्रुप को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। तो ये तो बात रही हमारे ग्रुप की। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर कि HFCL कहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है। तो आप देखिए ऑलमोस्ट 80 पैसे की जो है इसमें आज तेजी देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट 1% इसमें अभी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अभी ये 78.90 रुपये के आसपास पर ट्रेड कर रहा है। 1 वीक की इसमें बात करें तो 1 वीक में इसमें ऑलमोस्ट 6.10 रुपये की जो है तेजी देखने को मिली है, जो कि 8.36% के आसपास की तेजी इसमें आ चुकी है एक सप्ताह में। एक महीने की बात की जाए तो एक महीने में ऑलमोस्ट 19.5% की जो है इसमें तेजी देखने को मिली है, जो कि ऑलमोस्ट 12.85 रुपये की इसमें तेजी एक महीने में देखने को मिली है। 6 महीने की इसमें बात करें तो 6 महीने धमाकेदार इसकी रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट 51.25 रुपये की जो है इसमें तेजी आई है, और 184% जो है इस शेयर में बढ़ोतरी सिर्फ 6 महीने में देखने को मिल रही है। ये तो बात रही शेयर की। हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसमें निकल के आ रही है, तो है वो उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो आप देखें इसमें होल्डिंग पैटर्न जो इसमें कैसा है, क्योंकि किसी भी स्टॉक में अगर शेयर होल्डर अगर अच्छे तरीके से होते हैं, मतलब कि जो प्रमोटर्स होते हैं और अदर कंपनी उसमें अच्छा पैसा लगाती हैं, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ ये कंपनी अच्छा कर सकती है। क्योंकि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कैसे पैसा लगाते हैं, वो बहुत सोच समझ के किसी भी कंपनी में इन्वेस्टिंग करते हैं। तो अगर वो किसी कंपनी में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो इसका सीधा मतलब होता है कि कंपनी का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल देखने को आपको मिलने वाला है। तो अगर इस कंपनी का हम HFCL का देखें, ये HFCL आप देख सकते हैं, HFCL का अगर डेटा हम देखें तो इसमें एम्प्लॉई शेयर स्कीम जो है 0.4%, इंडिविजुअल इनसाइडर जो है 2.1% की इसमें होल्डिंग है, पब्लिक कंपनीज की इसमें लगभग 3.8%, इंस्टीट्यूशन की इसमें लगभग 8.4%, और प्राइवेट कंपनीज की इसमें लगभग 28.3%, और जनरल पब्लिक की 57.1% होल्डिंग इस कंपनी में। तो इसमें अगर देखा जाए तो काफ़ी डाइवर्सिफाई होल्डिंग है, मतलब कि किसी भी एक पर्टिकुलर का पैसा इसमें नहीं लगाया, मतलब कि पर्टिकुलर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का या फॉरेन इन्वेस्टर्स का या अपना म्यूचुअल फंड का या केयर पब्लिक का या प्रमोटर्स का, ऐसा कुछ में नहीं है। तो सब जो है होल्डिंग इसमें बटी हुई है कुछ कुछ लोगों में, तो इसमें एक पर्टिकुलर का अधिकार इस कंपनी में नहीं हो सकता कि पता चला कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 100% है या 80% है। तो क्या होगा अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर उसमें होल्डिंग दे रखा है इतनी भयंकर, तो उस पर क्या होगा, कंपनी को दब के रहना पड़ेगा, उनसे जो वो बोलेंगे उनको करना पड़ेगा। लेकिन इस कंपनी में ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिल रही है, तो मतलब काफ़ी अच्छा बात इसमें कंपनी में आपको देखने मिल रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें वो आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए HFCL इज नॉट ओन्ड बाई हेज फंड, MN Ventures Private Limited is currently the largest shareholder with 22% of outstanding। तो जो है MN Ventures जो है उन्होंने इसमें लगभग 22% की होल्डिंग ले रखी है, with 3.8% and 2.7% of the share outstanding respectively। Reliance Industry Limited and MKG Enterprises are second and third largest। तो आप देखिए सेकेंड लार्जेस्ट कौन है, Reliance Industry। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसमें Reliance Industry है,
क्योंकि आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्री कौन सी वाली, जो अपने मुकेश अंबानी जिसको ओन करते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं मुकेश अंबानी पर्सनली देखिए इसमें खुद इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस कंपनी में। इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है, ये कंपनी आगे आने वाले समय बहुत ही धमाका करने वाले हैं, क्योंकि जो भी अब मुकेश अंबानी या अडानी जी के साथ या टाटा के साथ जुड़ा हुआ है, फिर उनकी जो है भविष्य एक नंबर रहने वाला है, बहुत तगड़ा जो है वो कंपनी परफॉर्म करेगी। तो आप देख सकते हैं एमकेजी एंटरप्राइजेज ने भी इसमें अच्छी खासी होल्डिंग, ऑलमोस्ट 2.7% थर्ड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है इस कंपनी में, उन्होंने भी इसमें काफ़ी अच्छा पैसा लगा रखा है, और एमएन वेंचर्स भी इसमें काफ़ी अच्छा पैसा लगाए हुए हैं। तो आप खुद देख सकते हैं काफ़ी कंपनी ग्रो करेगी किसके अंडर में, मुकेश अंबानी जी क्योंकि इस कंपनी को अपना साथ दे रहे हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये कंपनी कहां से कहां जाने वाली। सबसे मेन चीज़ इसमें जो थी वो है मुकेश अंबानी जी का पैसा, क्योंकि आपको पता होगा कि र्यूमर्स आ रहे थे कि मुकेश अंबानी जी का पैसा नहीं लगा है, मुकेश अंबानी जी का कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से, रिलायंस इंडस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है एचएफसीएल से। लेकिन इन्होंने अब भी खुद बोला है कि रिलायंस इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट 3.8% पैसा लगा हुआ है, मतलब कि इसमें होल्डिंग 3.8% की है रिलायंस इंडस्ट्री की। तो आप खुद देखिएगा ये कंपनी अब कहाँ से कहाँ जाने वाली है। इनका ऑप्टिकल केबल वायर्स का जो है काम है, और आपको पता है कि जियो फाइबर जो लगते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है एचएफसीएल का, क्योंकि जब ये जियो के साथ जुड़ गए हैं तो आप खुद देखिएगा आप ये काम इनका और भी अच्छा चलेगा, एचएफसीएल और भी ज़्यादा ग्रो करने वाली कंपनी, ऑलरेडी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अब और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये कंपनी होगी इसकी बिल्कुल ये तय बात है। ये अब कंपनी यहाँ जाके नहीं रुकने वाली, और भी ज़्यादा जो है इसका आगे आने वाले भविष्य रहने वाला है। ये तो बात रही अपने एचएससीएल लिमिटेड की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा इनका देखने को मिल रहा है, और ये कंपनी अब यहाँ तक नहीं बहुत ऊपर जाने वाली, 100 रुपये का प्राइस इसका बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला, ये बात बिल्कुल तय है। तो हमने आपको याद होगा कि पुरानी वीडियो में आपको 58 रुपये 20 पैसे का एक सपोर्ट प्रोवाइड किया था, ये हमारा सपोर्ट था और यहीं से देखिए इसने सपोर्ट दिया था और तेज़ी पकड़ना शुरू की थी, और हमने देखिए ये ट्रेंड लाइन खींची थी, ये ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली बिल्कुल सही साबित हुई थी, और देखिए सारे हमारे जितने भी टारगेट थे वो सारे टारगेट हमारे हिट हुए थे, और देखिए सपोर्ट लेके इसने तेज़ी पकड़ी और काफ़ी तेज़ी जो है इसमें देखने को मिली है। देखिए तेज़ी आई और इसने हमारा टारगेट नंबर 1 जो था 67 रुपये 35 पैसे का इसको हिट किया था, और उसके बाद 74 रुपये 90 पैसे का जो हमारा सेकंड टारगेट था इसको भी इसने देखिए हिट कर चुका है। देखिए इसको ये तोड़ के ऊपर जा चुका है, 74 रुपये 90 पैसे भी हमारा टारगेट हिट हो चुका है, और 67 रुपये 35 पैसे का हमारा लेवल भी हिट हो चुका है, ये दोनों हमारे टारगेट अचीव होते हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आ रहा है इसमें वो निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 89 रुपये 15 पैसे का जो है इसका टारगेट नंबर 3 निकल के आ रहा है, जो अचीव बहुत जल्द आपको होता हुआ मिलने वाला है, और 100 रुपीज़ का मैंने आपको बोला था टारगेट बहुत जल्द आपको मिलेगा, जैसे ये तेज़ी पकड़ेगा आपको ये 100 रुपीज़ पर बहुत जल्द भागता हुआ देखने मिलेगा, और ये देखिए अब 100 रुपीज़ की तरफ भागता हुआ आपको देखने को मिल भी रहा है। तो आपका जो ये टारगेट है 89 रुपये 15 पैसे अभी आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा, और आपका उसके बाद टारगेट जो है वो आपका 100 रुपये का रहने वाला है। तो जो है आप इसमें आराम से कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, कंपनी बिल्कुल पैसा लगाने के लायक है, लॉन्ग टर्म में भी आप कंपनी में अपना भरोसा कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत अच्छी निकल के आ रही है। तो आप जो है इसमें आराम से चिल होकर अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, कंपनी में कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही है, कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी प्रॉफिट में भी है, तो इस पर आराम से पैसा लगाया जा सकता है। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों तरह से कंपनी कंप्लीटली फुलफिल आपकी जो है आपकी जो भी डिमांड्स हैं उनको पूरा कर रही है। तो जो है आप आराम से इसमें चलो कि अगर आपने शेयर ले रखे हैं तो बैठिए, कोई दिक्कत इसमें कंपनी में आपको देखने को नहीं मिलेगी, बहुत अच्छी कंपनी क्योंकि ये निकल के आ रही है, और साथ में मुकेश अंबानी के साथ इस कंपनी को है तो और भी इसका जो है और ऊँची जो है ऊँचे अहदे पर यह कंपनी पहुँचने वाली है। तो ये तो रही हमारी वीडियो, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर जरूर ज्वाइन हो जाइए, जो हमारी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, बहुत आपको फायदा होगा उस ग्रुप पर ज्वाइन होने से। तो अभी जाके ग्रुप को ज्वाइन करें और खूब सारा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं उस ग्रुप की ट्रेड को लेके। तो दोस्तों यहीं तक थी हमारी वीडियो, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी प्रकार से अपना प्यारंभ पर बनाए रखिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते हुए अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।